समझो भाइयो देवों का स्थान रहे। जहां खुश होकर के मन में मोद मनाती है बांस सुख संपत और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी उदम मत करिए, शांत बैठ जाओ लड़कियों। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती है तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती है। घर में गरीबी है और पति पत्नी में आत्मा से प्यार है, मेरा दावा है उस घर में गरीबी नहीं रही। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल नहान रहे, जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे। भाइयों और बताओ, नारी जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई, ओ खान पान और रहने सहने में दिखलाए दे चतुराई। नारी जहां प्रसन्न रहे वह घर की हो सफाई, खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई, लड़कों को तो पढ़ाती है लेकिन लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखो। आज हम देख रहे बेटियों के साथ बड़ो पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा भाव ढोल बज रहो और लड़की पैदा हुई तो गली में ऐसे जाए रहो मानो जब डकैती पड़ी है।
लड़की का सम्मान नहीं। नगला रमई के क्षेत्र को हमें बता दो, बेटी का इंसान लड़की अगर हो जाती है एक बात और बताओ लोग, लड़की क्यों अच्छी नहीं लगती? दमादन ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। इतने पंडाल में बैठे हो, खड़े होकर के कहो कि मेरे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब कर गई। कभी बेटियां गरीब करने नहीं आती लोगों, बेटियां कभी गरीब करने नहीं आती। जिला बाराबंकी में हम लड़कियों के बारे में बोल रहे थे, एक मैया खड़ी हो गई और वो बहन कहने लगी, गुरुजी जो लो हमारे घर में 4 लड़का रहे, रोटी रोटी को दुखी रही, और जब से 2 बेटियां हो गई तब से मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं। ये बेटियां तकदीर लेके आती, लेकिन दुख है। वैसे एक बात बता, कंस बहुत अच्छा था, कंस बहुत अच्छा था। बाने देवकी के बच्चा कब मारे? ये श्रीमान जसवंत सिंह यादव जो परिचित जी के दामाद हैं, गुरुदेव जी के गले में 251 रुपए का हार पहना के सम्मान करते हैं, समस्त स्टाफ को 51 रुपए समाज करते हैं, परिचित महाराज नबलदेव मैया एक पति एक पत्नी धर्म पत्नी को यानी हार पहना के सम्मान करते हैं, भगवान शतपुत्री प्रदान। मेरे भाइयों, कंस ने अपनी बहन देवकी के बच्चा तब मारे जब पैदा हो गए। आजकल के कंस तो पैदा नहीं होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है, बेटे में हत्या कर दी। क्यों करते हो? दमाद में ढूंढना पड़े। मेरे भाइयों, दिन ही दिन लड़कियां कम हो रही हैं, दिन ही दिन। सबसे ज्यादा हत्या हरियाणा में है। हरियाणा में 50 लड़कियां हैं, 100 लड़का, 100 लड़का 50 लड़कियां, और राजस्थान में 100 लड़का 58 लड़कियां, और उत्तर प्रदेश में लड़कियों की कितनी कमी है? 100 लड़का है तो 63 लड़कियां। अब बताओ जो 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? मैं खुद इस गांव में देख रहा हूं, इस गांव में हमें लड़कियां बहुत कम नजर आती, गांव गांव में लड़कियां कम नजर आती। भाइयों, अगर इन लड़कियों की हत्या पे विराम न लगा तो 10 साल के अंदर लड़की ढूंढे नहीं मिलेंगी, लड़कियां ढूंढे नहीं मिलेंगी। भाइयों, लड़की बचाओ और लड़की पढ़ाओ, ध्यान रखो। अरे लड़की न होती तो हम और आप न होते, और हम और आप न होते तो हमारे तुम्हारे बाप न होते, अगर बेटी न होती।